Hey guys, this is Prince Beats और आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे पोल करा था कि नेक्स्ट वीडियो टॉपिक क्या होना चाहिए और आप लोगों ने उसमें सबसे ज़्यादा वोट करा मिक्सिंग एंड मास्टरिंग को। तो मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के ऊपर मैं अपने चैनल पे पहले भी बहुत सारी वीडियोस डाल चुका हूँ और आप लोगों ने बहुत सारे चैनलों पे अलग भी देखी होगी वीडियोस। तो ऐसा क्या है जो आप लोगों को मिक्सिंग एंड मास्टरिंग बार बार देखनी पड़ रही है और तब भी आपका वो लेवल अचीव नहीं हो पा रहा है? तो मैं आज कुछ टिप्स दूंगा आप लोगों को ताकि आप लोग एक अच्छा लेवल अचीव कर सकें अपनी मिक्सिंग एंड मास्टरिंग में। सो सबसे पहली टिप होगी मेरी आप लोगों के लिए ईयर ट्रेनिंग, क्योंकि आप बार बार ट्यूटोरियल्स देखते जा रहे हैं पर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप लोग ये सोच के बैठे हैं कि मेरे पास क्लाइंट आएगा तभी मैं उसका मिक्स मास्टर करूँगा ट्रैक तभी मेरी क्वालिटी बढ़ेगी, तो वो गलत है। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चाहे आप लोग एकापेला ले लें, यूट्यूब से कोई वोकल्स ले लें, कोई भी डमी वोकल्स ले लें, उसको मिक्स मास्टर करें, वोकल को मिक्स करें किसी भी इंस्ट्रूमेंटल के साथ या खुद प्रोड्यूस करें, तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा था यूट्यूब पे तो मैं ट्यूटोरियल्स भी डालता था, मेरी मिक्सिंग मास्टरिंग उतनी अच्छी नहीं थी, अभी भी मैं सीख रहा हूँ पर एक क्वालिटी अचीव कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। तो उस टाइम पे मेरी मिक्सिंग मास्टरिंग इतनी अच्छी नहीं थी तो मैं म्यूज़िक अपना प्रोड्यूस करता था, वोकल्स कहीं से भी यूट्यूब से उठा लेता था, उनको मिक्स करके अपनी म्यूज़िक के साथ यूट्यूब पे डालता था, तो लोगों को दिखाने के लिए कि लोग देख रहे हैं मेरा, गाना सुन रहे हैं, मेरे को क्वालिटी और अचीव करनी है, बस वो दिखाने के लिए ही मैंने सीखना शुरू करा, बहुत ज़्यादा सीखना शुरू करा, प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो उसमें जो आज मेरी क्वालिटी थोड़ी बहुत अचीव हो रही है वो उस प्रैक्टिस की वजह से है। तो आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस और ईयर ट्रेनिंग आप लोगों को अचीव करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग एक प्रोफेशनल साउंड अचीव कर सकते हैं। एंड दूसरी टिप मेरी आप लोगों के लिए है कि एक लेवलिंग, जब भी आप मिक्स करने जाएं अपने प्रोजेक्ट को तो लेवल कर लें उसको, बेस का लेवल, ड्रम का लेवल, म्यूज़िक का, बाकी पियानो कीज़ वगैरह जो भी आपके पास है, आपकी वोकल्स हैं, सब एक दूसरे को क्लैश ना करे, कोई भी साउंड एक दूसरे के साथ लेवल फिट हो एकदम, लेवल मतलब साउंड ऊपर नीचे ना हो, कहीं आपकी वोकल्स कुछ ज़्यादा साउंड कर रही हैं, ड्रम्स आप लोगों के वोकल्स को कहीं कंप्रेस कर रहे हैं। तो लेवलिंग में बेसिकली हमें देखना है कि कोई भी साउंड एक दूसरे को ओवरकम ना करे, ठीक है, कोई भी साउंड ऐसा ना लगे कि ये ज़्यादा साउंड कर रहा है, वोकल्स हमारी ज़्यादा आ रही हैं या हमारा ड्रम्स ज़्यादा आ रहा है या कोई भी की वगैरह हमारी ज़्यादा आ रही है, सब एक दूसरे को ग्लू करके रखें, एक दूसरे को ग्लू करें। जब भी आपको कोई भी इफेक्ट लगाने से पहले ग्लू देखना कि ग्लू हो रहा है हमारा साउंड कि नहीं हो रहा, बिना इफेक्ट लगाए भी आप लोगों को पता चल जाएगी कि बहुत अच्छा साउंड कर रहा है हमारा, ओवरऑल ट्रैक बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, वो ग्लू हमें फाइंड करना है। देन नेक्स्ट टॉपिक मेरा है मिक्स एट लो लेवल। जब भी आप मिक्स करने जाओ अपने ट्रैक को तो लो लेवल पे इतना भी आपको बूस्ट नहीं करना अपने ट्रैक को, इतने लेवल्स को ऊपर नहीं रखना कि आप लोगों को सही और गलत का फ़र्क ना पता चले वहाँ पे। आप लोगों को लो लेवल पे मिक्स करना है उसे, समवेयर अराउंड आपका ओवरऑल मिक्स होना चाहिए जो फाइनलाइज हो -3 dB या -6 dB, उससे ऊपर आप लोगों का लेवल नहीं जाना चाहिए। तो जब आप EQ स्टार्ट करें, EQ सबसे पहले आप लोग EQ से स्टार्ट करोगे या कंप्रेशन से स्टार्ट करोगे तो उससे पहले आप लोगों को देख लेना है कि हमारा लेवल -3 dB से नीचे हो। देन नेक्स्ट टिप मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि जब भी आप मिक्स करने जाओ तो सब हर इंस्ट्रूमेंट को अपनी एक जगह मिले, क्योंकि जब भी हम मिक्स करते हैं तो एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसीज क्लैश कर रही होती है, सबसे ज़्यादा गलती होती है हमारी लो फ्रीक्वेंसीज पे, लो एंड पे। तो हमें क्या करना है कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स में से अदर देन 808 बेस कोई भी या किक, सारे इंस्ट्रूमेंट्स में से हमें अपनी लो कट कर देना है, एटलीस्ट 100 Hz तक तो कट कर देना है हमें, और बाकी हमें किक और बेस को अपनी एक प्रॉपर जगह देनी है। द नेक्स्ट स्टेप मेरी आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग ओवरडू ना करें, कोई भी इफेक्ट ओवर ना करें। जब भी आप लोग मिक्स कर रहे हो तो कहीं हाई फ्रीक्वेंसीज बूस्ट कर दी, ये गलतियाँ मैं बहुत करता था अपनी स्टार्टिंग में कि हाई फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता था, लो एकदम कट कर देता था। हर फ्रीक्वेंसी को अपना एक रूम मिलना चाहिए, तो वो आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें, कंप्रेशन ओवर कंप्रेशन ना करें। जब भी कंप्रेशन हमारा होता है कि कोई भी लेवल, जैसे हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग में एक लेवल यहाँ पे एक लेवल यहाँ पे है, तो उसको कंप्रेस करके हमें इतना लाना है, ना कि उसको बराबर कर दें या ऊपर नीचे हो जाए, तो वो हमें ओवरडू नहीं करना है कोई भी। और EQ में से कहीं हमने पूरा ही लो एंड कट कर दिया, हाई पूरा बूस्ट कर दिया, तो हमें पूरा ओवरडू नहीं करना है, लेवलिंग और बराबर पूरे इफेक्ट्स बराबर रखें। सो ये थी मेरी वीडियो, कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए फॉर द बेटर मिक्स। आई होप आप लोग अपने ट्रैक को और अच्छे से मॉनिटर कर पाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।